भैया एक किलो टमाटर देना। ये लीजिए। ये लो आपके 150। अरे भैया ये 10 रुपए तो ले जाइए। क्यों भैया, टमाटर तो 150 रुपए किलो है ना। अरे नहीं भैया, मैं 10 रुपए सारी सब्जियां सस्ती देता हूँ। और हाँ भाई, मेरी सारी सब्जियां फ्रेश और ताजी ही रहती हैं। एक बात बताओ भैया, अभी आपने नई दुकान खोली है क्या, जो सभी सब्जियां और फल फ्रूट सस्ता दे रहे हो, ग्राहक फंसा रहे हो, और जब ग्राहक फंस जाएंगे तो महंगा कर दोगे। अरे नहीं भैया, मेरी दुकान तो बहुत पुरानी है और मेरे फल और सब्जी इनके सारे रेट सस्ते ही रहते हैं। ठीक है भाई साहब, चलता हूँ। भैया एक किलो आम देना। अरे दीदी ये 5 रुपए लेते जाओ। मैं कल आपके बगल वाली दुकान से आम ले गई, वो मुझे 40 रुपए दिए थे और आप 35 रुपए दे रहे हैं। वो क्या है ना दीदी, हमारी सब्जी और फल 5 रुपए 10 रुपए हम कम ही देते हैं। भैया ग्राहक फंसाना तो कोई आपसे सीखे। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि मैं अपने मेहनत और ईमानदारी का ही खाना चाहता हूँ। ठीक है भैया, मैं अपने मोहल्ले वाले को भी बताऊंगी कि आप बहुत सस्ती सब्जियां और फल देते हैं। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी। भैया 2 नारियल पानी देना। जी भैया। अरे नहीं भैया, एक ही देना। अरे आपने 2 मांगा, 2 ले जाइए। भैया मेरे पास 1 ही नारियल के पैसे हैं। अरे जब होंगे जब वापस कर दीजिएगा। थैंक्स भैया, मैं आपको आधे घंटे से अभी पैसे वापस करता हूँ। ठीक है भैया। अरे पता है, ये सब्जी वाला ना पूरे मार्केट से सबसे सस्ती सब्जियां देता है। भाई एक काम करो, 1 किलो आम, 1 किलो अनार और 1 किलो भिंडी, कुछ टमाटर दे दो। एक बात बताओ भैया, आप इतनी सस्ती सब्जियां देते हो, आपको कुछ प्रॉफिट वॉफिट होता है कि नहीं? हाँ भाई, भगवान के आशीर्वाद से बहुत कमा लेता हूँ। भाई वो क्या है ना कि मेरी एक ही बेटी है और वो इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती है। भैया आपका कमाल का आइडिया है, कम पैसे में अच्छे ग्राहक भी बना लो और कमा भी अच्छा लो। अरे नहीं दीदी, मेरा मकसद सिर्फ ग्राहक बनाना नहीं है। दीदी इस टाइम ना सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ का दिन है, और मैंने सुना है इस टाइम दान पुण्य करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। मंदिरों पे भंडारे कराते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उन्हें भी तरक्की मिले। 1 महीने दान पुण्य करने से इतना फल मिलता है, मैंने सोचा 12 महीने गरीबों की मदद करूं, दान पुण्य करूं, तो भगवान मुझसे कितना खुश हो जाएंगे। और यही सोच के 5 रुपए 10 रुपए सब्जियां सस्ती देता हूं और गरीबों के साथ साथ उन सब लोगों की मदद करता हूं। और मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास सिर्फ आलू खरीदने के पैसे होते हैं और मैं उन्हें 2 टमाटर ज्यादा देख करके खुश हो जाता हूँ। और भाई एक बात बताओ, तुम सभी सब्जियां 5-10 रुपए सस्ती देते हो, तुम्हें घाटा नहीं होता? सभी सब्जी वाले रात को 8 बजे जाते और मैं 7 बजे सारी सब्जियां बेच के चला जाता हूँ। और पता है, और लोग की सब्जियां तो बच भी जाती हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जय जय भोलेनाथ।